क्या हाल चाल है, मेरा नाम है दिव्यांशु, आप लोग देख रहे हैं टेकी गाय। बोट रॉकर 550 हेडफोन, ये जो दोस्तों हेडफोन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हेडफोन है बोट के, और इसके अंदर आप लोग काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि इसके अंदर आप लोग को जो 50 mm का ड्राइवर देखने के लिए मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट आप लोग को इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है, जिसके कारण दोस्तों आप लोग जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अपने डिवाइस को जो कनेक्ट कर पाएंगे। उसके साथ साथ इसका जो स्ट्रक्चर है वो जो एग्रोनॉमिकली स्ट्रक्चर्ड किया गया है, तो दोस्तों ये एग्रोनॉमिकली स्ट्रक्चर क्या होता है ये आप लोगों को वीडियो के अंदर बताऊंगा। और भी दोस्तों कई फीचर है जिसको कि हम लोग जो वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और इन दी एंड आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कैसा है ये, क्या ये लेना वर्थ है, या फिर इस बजट में आप लोग बस इससे अच्छा और कोई अल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल है, सारी सारी बातें करूंगा। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आप लोगों को बॉक्स देखने में मिल जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को जो बोट की ब्रांडिंग देखने में मिल जाती है, और यहाँ पर मैं जो है रॉकर 550 लिखा गया। पीछे की साइड की अगर बात करूँ तो पीछे जो है इसकी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मेंशन है। जो एग्रोनॉमिकली स्ट्रक्चर हेडफोन है ये दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप लोग इसको कान में पहनेंगे तो आप लोगों के कान के हिसाब से ये जो अच्छे से फिट हो जाएंगे। जो फिजिकल नॉइस आइसोलेशन है उसका मतलब ये होता है कि बाहर से जो साउंड वेव्स आ रही है उसको ये जो है कैंसिल कर देगा। अब कितना कैंसिल करता है कितना नहीं करता है वो हम लोग ये वीडियो के अंदर देख ही लेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर मैं आप लोगों को जो 500 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, और 20 घंटे का यहाँ पर मुझे प्लेबैक टाइम देखने में मिल जाता है। मैंने दोस्तों इसको टेस्ट किया, 20 घंटे का नहीं है भाई, मतलब सब फालतू बात है, ठीक है, चूरन बांटा जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों को जो 15 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक टाइम देखने के लिए मिल जाता है। तो मैं आप लोगों को पहले ये बता दूँ, इसको जो है अनबॉक्स कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इस टाइप से इसको जो अनबॉक्स करना है, तो अनबॉक्स करने के लिए बेसिकली दोस्तों आप लोगों को इस तरीके से इसको खोलना है, और यहाँ पर मैं आप लोग देख पाएंगे जैसे ही आप लोग इसको खोलेंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आप लोगों को जो है ये हेडफोन देखने के लिए मिल जाते हैं। ऊपर की साइड में दोस्तों आप लोगों को जो बोट की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, जो कि प्लास्टिक मटेरियल है। ऊपर की साइड में आप लोगों को एक सॉफ्ट टच यहाँ पर में कुशन देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर बोट की ब्रांडिंग है। और देख ले कि और क्या है, तो यहाँ पर भी सेम सीन है। और यहाँ पर में जो है ये दोस्तों कपड़े से यहाँ पर मैं एक बहुत बढ़िया डिज़ाइन बनाई हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही है भाई दिखने में, लेकिन मतलब क्या ही जरूरत थी डिज़ाइन बनाने की, सीधे भी दोस्तों दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आप लोग जो इसको आसानी से कैरी करने के लिए कुछ इस तरीके से इसको जो फोल्ड भी कर सकते हैं, तो अब ये जो है आपके बैग वगैरह में जो आराम से आ जाएगा। इस टाइप से आप लोग को जो कुशन वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं दोस्तों, मजाक की बात साइड में, लेकिन इसकी जो कुशन की जो क्वालिटी है, मतलब मैंने आज तक जितने भी हेडफोन यूज़ करे उसके कंपेरिजन में इसकी जो कुशन की क्वालिटी है वो सही में भाई मतलब काफ़ी ज़्यादा तबाही है। मैंने यहाँ पर मैं काफ़ी सारे हेडफोन्स के कुशन देखे, लेकिन इसके जो हेडफोन के कुशन है वो दोस्तों मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहा हूँ। आपके सर के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और ये बहुत बढ़िया बात कि यहाँ पर मैं ये जो आप लोगों को स्टील का देखने के लिए मिलता है, तो जिसके कारण कि ये जो स्लाइडिंग वाला जो कार्यक्रम है भाई ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। नहीं तो काफ़ी सारे जो हेडफोन आते हैं आजकल लोकल, उसके अंदर आप लोगों को जो प्लास्टिक का देखने के लिए मिलता है ये स्लाइडिंग वाला मामला, तो जिसके कारण कि वो जो अटक जाते हैं और वो ख़राब मामले हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है सीन सपाटा था इसके अंदर। से यहाँ पर मैं देख ले कि डब्बे के अंदर और क्या है, तो ओ भाई भाई ये भैया बने हुए आप लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को ये जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा चिट्ठा देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों, ये इतना बड़ा चिट्ठा अगर पढ़ना देता यूट्यूबर थोड़ी बनते। यहाँ पर मैं आप लोग को जो है तारे वारे देखने के लिए मिल जाती है, इसको भी निकाल ले कि कौन कौन सी तारे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है। तो ये है यहाँ पर मैं 3.5 mm टू 3.5 mm ऑडियो जैक्स, ऑक्स भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है, इसको फेंक देता है यहाँ पर क्योंकि उसका हमको अभी कोई काम नहीं है। और आप लोगों को ये जो है इसको चार्जिंग करने के लिए माइक्रो USB केबल देखने के लिए मिल जाती है, जिसकी की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मतलब ऑनेस्टली बताओ तो भाई वो जो पावर बैंक के साथ जो आती है जो आप लोग खरीदते हैं, ठीक है, ट्रेन व्रेन में, उस टाइप से जो पावर बैंक के साथ वही सीन है, मतलब कोई बढ़िया क्वालिटी इसकी तो नहीं है। और जो ऑक्स की क्वालिटी थी वो भी गोल्ड प्लेटेड नहीं है, मतलब वो भी ज़्यादा टिकेगी नहीं। तो के अंदर आप लोगों को ये जो है और एक पुष्टा देखने के लिए मिल जाता है, जिसके अंदर बेसिकली लिखा गया रिदम ऑफ निर्वाणा, और इसको ही फेंक देते हैं यहाँ पर और देख ले कि और क्या है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोर्ड की तरफ से एक जो स्टिकर देखने के लिए मिल जाता है, इसको हम लोग निकालेंगे ताकि दोस्तों यहाँ पर मैं जो है दिल टू दिल वाली अनबॉक्सिंग हो पाए, इसलिए हम लोगों ने उसको निकाल लिया है। और दोस्तों और फेंक दे डब्बे को, डब्बे के अंदर तो और कुछ खास है नहीं। और अब बढ़ जाए हमारे हेडफोन की तरफ, तो अब इसको फटाफट से जो ऑन कर लेता हूँ, और ऑन करने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ उसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। क्योंकि भाई कितने ही ज़्यादा फीचर दे दो, कितने ही ज़्यादा यहाँ पर मैं बोल दूँ कि बिल्ड क्वालिटी अच्छी बना दो, तो साउंड ख़राब है तो भाई गई बात, मतलब कोई दम वाली बात ही नहीं है फिर तो। तो अब फटाफट से मैं इसको जो टेस्ट कर लेता हूँ, टेस्ट करके फिर आप लोगों को बताता हूँ। तो इसके अंदर जो कान का जो कम्फर्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, जब भी आप लोग इसको पहनोगे तो आप लोगों को बोलेंगे कि अरे वाह इतना ज़्यादा प्रीमियम लगता है, बोस वगैरह के हेडफोन आते हैं, ठीक है, उस टाइप से आप लोगों को देखने के लिए मिलता है इसके अंदर कान का कम्फर्ट। और एक बात ये जो है दोस्तों ओवर द ईयर हेडफोन है,
ये जो है पूरे आपके कान को कवर करते हैं, जिसके कारण की जो नॉइज वगैरह आती है, ठीक है, तो वो आप लोगों को बाहर की नॉइज जो है काफी ज्यादा कम आती है। टाइप के हेडफोन आते हैं दोस्तों, एक इन ईयर, ऑन ईयर और एक ओवर द ईयर। ये ओवर द ईयर है। अब तीनों के बारे में आपको डिटेल में नहीं बताता हूँ, वीडियो काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगी, आप लोग देखते भी नहीं हो। तो अब मैं जो है फटाफट से इसके अंदर जो सॉन्ग वगैरह प्ले कर लेता हूँ भाई, और फिर बताता हूँ क्या सिस्टम है। ऑन करने के लिए यहाँ पर मैं आप लोग कुछ जो है बटन वगैरह दिए गए, और यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हैं जैसे ही इसको दबाऊंगा तो ये जो ऑन हो जाएगा। और ये है यहाँ पर मैं वॉल्यूम रॉकर, जिसकी मदद से ये जो है सॉन्ग को आगे या फिर सॉन्ग को पीछे आप लोग कर सकते हैं। 3.5 mm जैक, जिसको आप लोग ऑक्स भी बोलते हैं। और उसके बाद में ये है इसको चार्जिंग करने का मामला। ओहो भाई, ऐसे ही आप लोग इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर मैं, ये अंकल की एक आवाज़ आती है, मैं आप लोगों से सुनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं माइक वगैरह निकालेंगे, हम फिर से सुनेंगे। अब बताना आप लोग, आपको ये जो अंकल बोल रहे दोस्तों, यही है असली मजा बोट का, देखना भी सुनना। Power on. You've plugged into Nirvana. जो अंकल बोल रहे दोस्तों यही खास है, बाकी सब तो ठीक ही बात। अब बस बहुत बकवास हो गए, फटाफट से मैं इसको जो पहन लेता हूँ। इसकी साउंड क्वालिटी को जो है टेस्ट कर लिया, और अब वक्त आता है आप लोगों को बताने का कि कैसी है इसकी साउंड क्वालिटी। तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा भाई कंफर्ट की, क्योंकि जो कंफर्ट है वो सही में नेक्स्ट लेवल है। जब आप लोग इसको परचेस करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि भाई इसका जो कम्फर्ट है वो सही में काफ़ी ज़्यादा तबाही है। कम्फर्ट के मामले में दोस्तों यहाँ पर मैं इस हेडफोन को जो है फुल पॉइंट देने पड़ेंगे, क्योंकि भाई गजब का कम्फर्ट आप लोगों को इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। अब बात कर लूँ यहाँ पर मैं साउंड क्वालिटी दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने जितने भी हेडफोन रिव्यू करे थे बोट के, उससे दोस्तों इम्प्रूवड आप लोगों को इसके अंदर जो है साउंड क्वालिटी देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर दोस्तों जो वोकल्स है और दोस्तों जो बेस और ट्रिबल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रोसेस करता है। उसके बाद में यहाँ पर में जो हाईज है, मिड्स है और लोज है, उसके अंदर दोस्तों जो लोज है, मतलब कि दोस्तों जो बेसिकली जो ढोलक वाली आवाज़ है, वो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से प्रोसेस करता है। फीचर तो दोस्तों छोड़ी दो साइड में, लेकिन जो आपको साउंड क्वालिटी देखने के लिए मिल रही है इस बजट में, वो आप लोग काफ़ी ज़्यादा तबाही देखने के मिलेगी भाई, मजाक की बात साइड में, लेकिन सही में काफ़ी ज़्यादा तबाही साउंड क्वालिटी लगी मुझे। वायरलेस के अंदर भी दोस्तों इतनी अच्छी साउंड क्वालिटी मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बात है। तो यहाँ पर मैं जो है ड्रॉबैक है इसके, अब मैं आप लोगों को ज़रा बता दूँ ड्रॉबैक भी, कि जब आप लोग इसको ज़्यादा देर तक पहनेंगे तो क्योंकि एक ओवर द ईयर हेडफोन है, आप लोगों को थोड़ा सा बल्की ज़रूर लगेगा, क्योंकि एक ओवर द ईयर हेडफोन है और ओवर द ईयर हेडफोन का जो वजन होता है कंपेरेटिवली, वो जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है ऑन ईयर के कंपेरिजन में। तो ये चीज़ हो सकती है आप लोगों के साथ भी दोस्तों कब होगी, जब आप लोग जो है 5 से 6 घंटे जो इसको कंटिन्यूस पहन के रखेंगे। इतना तो दोस्तों कोई पहनता नहीं, कोई इतना ज़्यादा वेला तो है नहीं कि 5 से 6 घंटे तक जो है इसके सॉन्ग्स वगैरह सुनता रहे लगातार। तो अगर आप लोग इसको कैजुअल यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा सही रहने वाली है हेडफोन, बिल्कुल आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। इस बजट में एक बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। बात कर लूँ यहाँ पर मैं गेमिंग वगैरह की, तो गेमिंग तो भाई मैं हमेशा आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि वायरलेस के अंदर कभी भी जो है गेमिंग नहीं करनी चाहिए। कितनी ही अच्छी हो, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, लेटेंसी आई जाती है तो भाई गेमिंग का तो भूल जाओ। आप लोगों को बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो रहा है अगर आप लोग गेमिंग करने के लिए, तब आप लोग जो है इसके अंदर वो 3.5 mm जैक जो आता है या फिर ऑक्स बोल लो, तो ऑक्स अगर आप लोग इसमें लगा लो और फिर आप लोग जो थोड़ी बहुत गेमिंग वगैरह अच्छे से कर पाएंगे। भाई जो वायर्ड हेडफोन के अंदर जो गेमिंग हो पाती है वो वाला मजा आप लोगों को ये नहीं दे पाएगा, तो गेमिंग के लिए तो रिकमेंड नहीं है। अब यहाँ पर मैं फटाफट से माइक्रोफोन की क्वालिटी, ताकि आप लोगों को और अच्छे से अंदाजा लग जाएगा, ऐसे बात करने में भाई मजा आ पाएगा कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग जो है तो यहाँ पर अभी आप लोग जो मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं, आप लोग जो इसी बोट हेडफोन 550 के अंदर सुन पा रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोग सुनना, एक बच्चा हो गया जो लाल चिट्ठी पहने हुए हैं, किसी का भी आवाज ले जाए। हेलो हेलो चेक, हेलो माइक चेक, हेलो चेक, हेलो माइक चेक, हेलो 1 2 3 माइक चेक, हेलो रिंकिया ये सीन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो अगर दोस्तों बात कर लेते हो, यहाँ पर मैं कंक्लूजन ये निकल के आता है कि काफी ज्यादा प्रीमियम और काफी ज्यादा बढ़िया हेडफोन आप लोगों को इस बजट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। आप लोग जो गेमिंग करना चाहते हो तब जो है रेड गियर के साथ जा सकते हैं, ANT के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग जो है म्यूजिक वगैरह में इंटरेस्टेड है तब आप लोगों को बिल्कुल ये जो हेडफोन है इसको जो है आग बंद करके परचेस कर लेना चाहिए। काफी ज्यादा बढ़िया डील है, 2000 के अंदर आप लोगों को हेडफोन देखने को मिल जाते हैं अमेजोन पे, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया डील होगी। लोग इसको परचेस करना चाहते तो मैं इसकी बेस्ट बाय लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग जो इसको इजीली परचेस कर सकते हैं। यही सारी कहानी थी बोट रॉकर्स 550 की। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूं उसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।